ये TF7 एंड्रॉयड कार स्टूडियो है और इसमें इक्वलाइजर की सेटिंग के लिए आप ऊपर से नीचे स्लाइड करोगे, देन यहाँ पर जो इक्वलाइजर की बटन है EQ लिखा हुआ है, आप इस पर ओके करोगे तो इक्वलाइजर की सेटिंग ओपन हो जाएगी, नहीं तो आप होम बटन पे ओके करो और देन ऐप्स में यहाँ पर इक्वलाइजर की यहाँ पर ऐप्स होती है, ये EQ जो लिखा हुआ है वाइट कलर में, आप इस पर भी ओके करके इक्वलाइजर की सेटिंग को ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ओके किया, अभी ये नॉर्मल है और सबसे ऊपर में यूज़र है जिससे कि मैनुअली सेट किया जा सकता है, और नीचे बहुत सारा साउंड टेम्पलेट्स है इक्वलाइजर की, तो उस पर ओके करके आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक म्यूज़िक को प्ले कर लेता हूँ इसको चेक करने के लिए, तो वॉल्यूम को मैंने फुल कर दिया, देन होम बटन प्रेस किया तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले हो चुकी है। तो मैं अब इक्वलाइजर की सेटिंग को ओपन करता हूँ, तो मैंने ऐप्स को ओपन किया, देन इक्वलाइजर पर ओके कर देना है, देन आपको यदि मैनुअली इक्वलाइजर की सेटिंग करना है तो आप यूज़र पर ओके करोगे, देन म्यूजिक को प्ले करके आप इसको ऊपर नीचे करके, तो ये यहाँ पर बटन्स है वर्टिकल बार के साथ में, इसको ऊपर नीचे ड्रैग करके इसको मैनुअली सेट कर सकते हो, इसकी साउंड की क्वालिटी चेंज कर सकते हो, और नीचे कुछ टेम्पलेट्स है जो कि आप ओके करके, ये प्री डिफाइंड है, जाज, पॉप, क्लासिकल, रॉक, न्यूज़, इस पर ओके करके चेंज कर सकते हो। ये जाज पे मैंने ओके किया, देन पॉप, क्लासिकल, रॉक, आप जिस पे चाहो अपनी मर्जी का जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो और इक्वलाइजर की सेटिंग कर सकते हो। देन यहाँ पर इक्वलाइजर के साथ जोन है, तो आप जोन पर जब ओके करोगे तो यहाँ पर ये कार में अलग अलग जगह पे आप चाहो तो म्यूजिक प्ले कर सकते हो, यहाँ से लाउड ऑन कर सकते हो, और ये रेड बीच में जो रेड बटन है इसको ड्रैग करके आप कार में अलग अलग पोजीशन पर म्यूजिक प्ले कर सकते हो। आप जिधर इस रेड बटन को रखोगे उस साइड में कार में वॉल्यूम तेज रहेगी और दूसरे साइड में वॉल्यूम कम रहेगी, और बीच में जब रहेगी ये डिफ़ॉल्ट मोड में रहेगी।